अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम जेल रोड पर मौजूद हैं और मेरे साथ बहादुर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमा मौजूद हैं। इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से एमपी का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया और अब आप हमारे इलाके में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। इन्होंने मेन जेल रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया। हम बिना किसी तमहीद के बहादुर खान साहब से जानना चाहेंगे कि बहादुर खान साहब, आज आप इतने जज्बाती अंदाज में, इतने गुस्से में यहाँ पर क्या मुतालबात लेके आए? देखिए जी, हमने मेहनत की, इलेक्शन लड़ा है, हम चाहते हैं वर्कर को इज्जत मिले। इन्होंने अपने मनपसंद लोग लगा दिए हैं, जो इनका हक नहीं बनता उस बंदे को लगाएं जिसका हक बनता है। ये लोग जो है ज़ुबैर न्याजी और शेख इम्तियाज़, अपने मनपसंद बंदे पैसे लेके लगाए हैं। तमाम टोंडों की जो सदर जनरल सेक्रेटरी है उनका नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए। अच्छा। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद हम बनीकाला जाएंगे, हमारा एक पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा हक है। हमें खान साहब ने यही चीज़ सिखाई है, हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होगा। अच्छा। और जब तक शेख को फारग नहीं किया जाएगा। और ज़ुबैर न्याज़ी को पैसे भी लेके उधर बांट रहे हैं जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखे, पैसे लिए तो एक बंदे को जिसकी इतनी वर्थ ही नहीं है, जिसने इलेक्शनों में कुछ किया ही नहीं है पार्टी के लिए, उसके साथ एक बंदा चलने को तैयार नहीं, उसको इन्होंने ला के सदर लगा दिया, किसी को जनरल सेक्रेटरी लगा दिया। इसके लिए ये वर्कर इस टाइम सब परेशान है, गुस्से में है, सब रोड पर निकले हैं। हम PTI के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हम इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं हैं। इनको फारग करेंगे हम, उसके बाद इनके साथ किसी बात पर बैठेंगे, वरना उससे पहले हम कुछ भी इनके साथ करेंगे। तो इस तरह अगर बंदर बांट चलती रही, अपनी मर्जी के लोगों को लगाते रहे, अजीज़ो खारब को लगाते रहे, तो क्या आपके ख्याल में फिर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी सीटें हार नहीं जाएगी? यहाँ पे सीटें हारेगी ये इन गंदे अंडों की वजह से हारेगी। हम यही चाहते हैं, हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये लोग आए हैं, इनको वापस भेजा जाए, ऑनेस्ट बंदों को लाया जाए जो पार्टी के साथ मुखलिस है। तो अभी आप कब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे? हमारा एहतजाज तब तक जारी है जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता। थैंक यू सो मच। आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लंबी कतारें लग, रोड प्रॉपर ब्लॉक हो चुका है और गाड़ियों वाले हॉर्न तो काफ़ी बजा रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए कि तहरीक इंसाफ का कुनान जो हैं वो रोड खाली करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हॉर्न बजाए जा रहे हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मजीद हैं और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी के मनाजर भी देखने में आ रहे हैं और लेकिन रास्ता जो है वो बिल्कुल नहीं खोला गया। आम रकम दे सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये हेड ऑफिस है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो हैं उन्होंने एहतजाज अपने ही ऑफिस के बाहर किया है और इनका कहना है कि यहाँ पर ज़ुबैर न्याजी साहब ने और वकास शेख इम्तियाज़ ने जो है ना बंदर बांट की है, ओहदे अपनी मर्ज़ी से पैसे लेकर बांटे हैं। काफ़ी लंबी कतारें ट्रैफिक की लग चुकी हैं, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। जैसी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट होती है हम आपको आगाह करेंगे। अब तक इतना ही, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने होस्ट, अपने मेज़बान सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद तो पैगाम दे दे जी मौजूदा इकराम, ये आप देख सकते हैं मेरे कदम में कि काफी लंबी तादाद में काफ़ी लंबी कतार लग चुकी है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम है और परेशानी का खासा सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। शायद मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे हमारे साथ। चलो।
आपकी मर्जी से तंजीम बनी आपकी मर्जी से बनी आप लोग अकरम उस्मान हमारी तरह ही कारकुन है, इनकी बात तसल्ली से सुने। हम मियां अकरम उस्मान को कहते हैं हमारे एहतजाज में शामिल हो, रिकमेंडेशन को भी रद्द किया गया है, आपकी बात नहीं मानी गई। मैं समझते हैं वो लोग आपके टाउन पे मुसल्लत हुए जिन्होंने चलाई है लगा दिया था वो लड़का है फादर साहब अंदर आए ना उसमें ये चीज मिल सकती है। अब उनके साथ किस किस्म की क्या बात हो, क्या चीज हो सकती है जिसपे के हमें भी पता होगा कि हमने आके आपसे दोबारा बात करनी है, किस तरह बात होगी, किस तरह बुला ठीक है बुला। कल चलता हूँ मैं आपके साथ उसके एजाज में नासा के पास, जो टाउन के नुमाइंदे हैं इतना मजबानी कहना जरूर लेकर है, मगर अंदर तो बात चार पांच लोगों ने करनी है ना, ठीक है जाके उनसे बैठ से बात करें, उनकी ऊंची आवाज बात करें, हल्की आवाज बात करें, कड़ी लगाएं, उनको जो मेरे रिक्वेस्ट करें, वट एवर जो तरीका है बात करने का, लड़ाई नहीं, ठीक है। अपना ग्रीवियंस वहाँ पे रखें, उनको कहें हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हमारे साथ बैठ के रिव्यू करें, हमें इग्नोर किया गया है, ये तरीका ना। आप देखिए या तो आपने डीओ फॉरम अप्लाई किया हो, मतलब गए हो और वहाँ पे आपकी सुनवाई ना हो, फिर आप कहें जी हमने तो फिर आप जाने जाने, मगर अब जब पहले कमेटी बनी उसमें भेजते हो भाई जान आए तो सही। मियां साहब ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो कमेटी जो बनाई है काउंसिल, डॉक्टर साहब ने बनाई, डॉक्टर साहब ने बनाई, अब भी फिल वक्त जो जितना भी बचना है ना एक सेकंड में मुंतशर हो सकता है, अगर फिल वक्त डॉक्टर साहब एक जो हमें सबसे बड़े सारे बड़े जब आएंगे।